Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع ما هو مقدار التعليم الإسلامي في المعاهد الإسلامية. अच्छा आप लोग शायद अरबी नहीं समझते अरे ये तो इस्लामिक स्कूल है तो इंग्लिश होना चाहिए तो अरबी होना चाहिए ना माफ करना मैं अपने आप को रेडी कर रहा था क्या हर एक आदमी ने माशाल्लाह इंग्लिश में बात किया मुझे इंग्लिश उस लेवल की नहीं आती कि मैं आपसे बात करूं तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि एक्चुअली आपको अरबी नहीं आती ताकि मुझे किसी तरह का जो है एक प्रेजेंटेशन करना अच्छा देखिए एक इब्तिदा में एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस्लामी शरीयत जो अहकाम जो ऑर्डर्स जो तालीम हमको देती है वो दो टाइप के हैं दो तरह के हैं एक को बोलते हैं एक बहुत अच्छा एक 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 इस्तिलाह है इसको लिख लो याद कर लो एक को बोलते हैं अत्तौकीफिया 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 का मतलब क्या होता है अल्लाह ने ऐसे इल्म को नाजिल किया ऐसे अहकाम को नाजिल किया जो कॉन्क्रीटेड है जिसके अंदर तब्दीली नहीं आती जिसके अंदर आदमी दिमाग अकल इश्तिहाद कियास नहीं कर सकता ज्यूरिसप्रूडेंस उसके अंदर नहीं होता मिसाल के तौर पर उसकी कोई मिसाल दो जिसके अंदर अकल नहीं चला सकते हाँ कोई मिसाल दो दीनी तालीमात में जी अल्लाह की आसमान सिफात जज़ाकअल्लाह है और कोई ईमानियत पांच टाइम की नमाज पांच नमाज पर इबादत एक ब्रॉड विजन में इबादत अकाइद फेथ ये जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है उसको एज इट इज हमको करना पड़ेगा जिसको तौकीफ बोलते हैं और एक है वर्ड इस्तेमाल होता है इज्तिहादिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके भी कुछ कंडीशंस बतलाए हैं लेकिन एक ब्रॉड विजन है जहां पे आपको इधर जगह है जहां पे आप इज्तिहाद कर सकते हैं तहकीक कर सकते हैं हालात की वजह से अफराद की वजह से सिचुएशन के हिसाब से उसमें वेरिएशन आते रहता है जैसे तिजारत है जैसे मामलात है अब मैं अपने असल बात करता हूँ अब ये टीचिंग तालीम प्रीचिंग स्कूलिंग ये दोनों में से किससे इसका ताल्लुक है टीचिंग मेथोडोलॉजी पेडागॉजी जिसको बोलते हैं इसका ताल्लुक किससे है इस्तिहादिया से ये पहले जहन में रख रहे हैं हम लोग ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस मामले में अगर किसी ने बोला जैसे कि इमरान भाई ने राइट इमरान भाई अपना इमरान भाई ने आकर बोला देखो भाई मेरे स्कूल में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाता हूँ अरे मैं नहीं बोल सकता ये हराम है मैं नहीं बोल सकता ए बिदअत है नहीं बोल सकता ए आप मुशरिक हो गए नहीं बोल सकता बट यहाँ पर अगर कोई बोला कि यार नहीं यार मैं कुरान की फला आयत को नहीं मानता नाउज़ बिल्लाह इसमें क्या शक नहीं कि वो उसका ईमान में डाउट है तो यहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी को हम अपने में रखें मैं क्या कह रहा हूँ इस्लामिक स्कूल में अगर कोई आदमी अपने इश्तिहार के मैदान में जाकर किसी एक को सही समझता है किसी एक को अडॉप्ट किया है इस सिलेबस को अडॉप्ट किया है हमारा ये मेथोडोलॉजी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका रेस्पेक्ट करना है यहां पर हम ये समझ रहे हैं शायद कि उनके लिए ये स्ट्रैटेजी सही है मैं ये बोल रहा नहीं यार तुम बहुत गलती कर रहे हो तुम तो गलत कर रहे हो तुम तो धोखा कर रहे हो सी मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है
अलग नफा बकरम से बहुत सारे स्कूलों को आना जाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, तो एक नमूने का जो है इसके अंदर एक शिद्दत कुछ स्कूल्स में कुछ असातिज़ा में देखता हूँ जो अपने अलावा किसी के एक मेथोडोलॉजी को टीचिंग जो है कंटेंट को कबूल नहीं करते, खासकर इस्लामिक में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को आज का सबसे बड़ा फायदा है ये जो मैं आपके जहन में ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी मैं इसको एक इल्मी जो है अंदाज से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो अरबी के अंदर एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है, वो वैस वसा है, वो इसको थोड़ा समझना सही। मन ज़ादा इल्मुहु कल्ला इनकारुहु, जिसका जितना ज्यादा इल्म होता है ना उतना कम वो इनकार करता है। इसको लोग कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, इसका मतलब किसी को इनकार ही मत करो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना जो आदमी इल्म में इज्तिहाद में रिसर्च में तहकीक में आगे बढ़ता है वो किसी की बात को अपोज करने से पहले सोचता है, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ इसके भी कुछ लोग बोलने वाले हैं, अगर मुझे ये ना मालूम हो कि हाँ इसके भी कुछ बोलने वाले हैं, उनके पास भी कुछ दलाइल है, तो मैं फौरन क्या बोलूंगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने जहन दिमाग अपने सोचने की जो है सर्कल को ओपन अप रिसर्च ओरिएंटेड रखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बात थोड़ी सी कठिन आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्मूथ कर रहा हूँ, बस बात थोड़ा सा ऐसे आ रही है, मुमकिन है किसी को पसंद ना आए, किसी कोई उससे मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा जगह रखो बोलो। और इसके अलावा मैं अपने मौजू की तरफ है पूछ लेंगे देखिए एक सवाल मेरा ये है, सब लोग अटेंशन हो जाओ, एक सवाल है, एक नॉर्मल सवाल है, हर आदमी स्कूल बनाने से पहले सोचता है, यहाँ पे तो सब माशाल्लाह स्कूल बनाए हैं लोगों ने। सवाल ये है कि इस्लामी एजुकेशन जब आप बोलते हैं अपने विजन और मिशन में तो डालते हो माशाल्लाह, तो इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामी तालीमात से क्या मुराद है, क्या मीनिंग है उससे, क्या आप लोग सोचते हैं इस्लामी एजुकेशन का मतलब क्या है, बोले क्या क्या चीज इसके अंदर आती है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स इन इस्लामिक डोमेन, इस्लामी तालीम, बोलिए ओके काइंड में यह आएगा अरबिक लैंग्वेज लोगा अरबिया, और बोलिए और उमर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया ईमान शायद अकीदा इस्लामी तालीमात जिसको इस्लामी स्टडीज बोलते हैं, हाँ इस्लामिक स्टडीज इस्लामी एजुकेशन जब हम मुराद लेते हैं तो एक चीज यहाँ पर छूट रही है, तरबिया जिसको यहाँ पे जगह दे दो तरबिया, लेकिन एक काइंड ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर, जैसे आपने बोला ना कुरान के अंदर आता है नाजिरा हिफ्ज तजवीद तरतीब किरातें ये सब इसके अनवा है, ओके इस्लामिक स्टडीज में आता है अकीदा फिक्र हदीस सीरा, अरबिक लुगा में आता है वोकैबुलरी आता है ग्रामर आता है लैंग्वेज आता है ये सब इसमें आता है। ये चीज सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर रखना चाहिए। अच्छा लोगा जब हम इस्लामिक स्टडीज में ये सब चीजें लेते हैं ये सब चीजें हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं, इन तमाम चीजों से ये जितने भी चीजें हैं ना एक इतने काइंड जो थ्री काइंड ऑफ एजुकेशन या इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने लिया सिलेबस को लिया उससे हम बच्चे में क्या देना चाहते हैं, आप लोग क्या क्या चीजें उसके अंदर आप नर्चर करना चाहते हैं,
शायद आप बोलेंगे इंशाल्लाह के नॉलेज, सबसे पहले क्या देना चाहते हैं आप, नॉलेज पास करना चाहते हैं बुक के थ्रू और किसी, दूसरा क्या आप देना चाहते हैं इंशाल्लाह, स्किल्स, दावा स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल, राइटिंग एंड ये जो क्या बोलते हैं कि वो लिखावट के मैदान में तालीम के रिटर्न जो है इसके अंदर जाए, मैदान में जाए, तो उसके अंदर जो है लोहा अरबिया इसके जरिए से आप तीन चीजें देना चाहते हैं, एक इल्म और एक स्किल्स और एक क्या है तरबिया, वापस तरबिया की बात आ जाती है, हर चीज में तरबिया आता है, इस्लाम स्टडीज की अहमियत ये है तरबिया। देखिए इसको मैं लिखता हूं, एक इल्म पास कर रहे हैं आप और एक हुनर स्किल्स स्किल्स पास कर रहे हैं और एक क्या है तरबिया। अच्छा एक सवाल है, जब आप किसी टीचर को हायर करते हो स्कूल में क्या चीजें देखते हो उसके अंदर, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, आई थिंक एक्सपीरियंस मतलब स्किल्स, एक्सपीरियंस मतलब उसके अंदर क्या स्किल है, उसके अंदर क्या उसके डिग्रियां हैं, क्या उसका ग्रेजुएशन है, कितना उसका पढ़ा है, एक तीसरा क्या देखते हैं एटीट्यूड। अच्छा और एक सवाल ये है कि किन चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तुम, चलो यार नहीं तो भी चलेगा, और किस में नहीं करते बोलो, हाँ क्या करते हो कॉम्प्रोमाइज करते हैं नहीं करते, कर लेते चलो ठीक है भाई बीए किया तो बीएड नहीं कर चलो हम लोग करा लेंगे आपको चलो आगे करो, और स्किल्स चलो स्किल्स नहीं तो हम आपको डेवलप करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे। लेकिन तीसरी जो चीज होती है अखलाक आदत, उसका उसका जो है मामला, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एज इट इज मैं कह रहा हूं, जब बच्चे को आप ये तीन चीजें आप देना चाहते हो इसमें आप कंटेंट वाइज कम जाए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपका बच्चा पूरा हाफिज नहीं बन पाया, चलो भाई एटलीस्ट दो पारे तो पक्का याद कर ले, दो पारे पक्का याद कर ले, हजारों और करोड़ों पे भारी हो जाएगा इंशाल्लाह करके आने के लिए। तुम्हारा बच्चे में चलो यार वो जर्नलिस्ट नहीं बन सका, आर्टिकल लिख नहीं सका, कोई अगर इस्लाम के बारे में पूछा तो इस्लाम का डेफिनेशन तो दे सकने के लायक बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे सकता है, लेकिन क्या भाई तुम इसके मामले में तो बोलोगे हम इसके मामले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगे, दिल से चाहोगे, माँ की इज्जत नहीं करेगा तो चलेगा, बाप ही करता है ना बस, ऐसा बोलेंगे हफ्ते में तीन दिन ले जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, तीन दिन फजर की नमाज पढ़ता है आप मान लोगे, नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कूल्स, सब स्कूल्स की बात नहीं करता मैं, बहुत सारे स्कूल्स में यहां पर जो अहम चीज है, जो है तो सब कुछ है, जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, यहां पर जितना स्ट्रेस होना चाहिए, जितनी मेहनत होना चाहिए, जितना प्लान होना चाहिए, उसके लिए जैसे जैसे अफराद को हायर करके एक टीम वर्क होना चाहिए, यहां पर नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेहनत यहां भी ज्यादा हो रही है, यहां भी ज्यादा हो रही है। सी ये आजकल के एक फितने के जमाना है, एकदम से देखिए 10 साल में जो जमाना बदला है पता नहीं आने वाला 10 साल कितना खतरनाक है, हम लोगों ने नहीं देखा, जो आप लोगों ने जो बड़े लोग हैं जो बाल पके हुए जो लोग हैं बहुत कम लोग हैं बाल पके हुए लोग, चाचा साहब जज़ाकअल्लाह खैर बात तमाम भी, आपके जमाने में जो आपने जो दुनिया देखा था और हम अपने जमाने में जो 20-25 साल के जो है डिफरेंस में हालात बदल गए। अब हम जो तैयार कर रहे हैं किन बच्चों को, भाई मेरे पास अगर नर्सरी में बच्चा है तो मैं आज के लिए तैयार नहीं करना है, इनको कम से कम 25-30 साल के बाद के जमाने के चैलेंजेस और फितने और फसाद को देखकर इसको इसकी तरबियत करना है। रियली देखिए मैं जो हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई स्कूल मुस्लिम स्कूल या इस्लामिक स्कूल, अरबी लैंग्वेज में टाइम हो गया अरबी लैंग्वेज ना पढ़ाए, वो कुछ ना पढ़ाए, इस्लामिक स्टडीज में लाइट दे दे, सिर्फ तरबियत अगर अच्छा करे ना, इसको इस्लामिक स्कूल बोल सकते हो, और यही ट्रू इस्लामिक स्कूल है। तो देन हमारे करिकुलम को, हमारे एडुकेटर्स को, हमारे उलमा को, हमारे असातिज़ा को इस लाइन पे और सोचना है, ठीक है।
शायद मेरे वक्त में बरकत कम है, शायद बहुत जल्दी चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा जो है प्रोसेस है ना भाई, ये पूरा प्रोसेस। आप एकेडमिक में क्या करते हो भाई? एकेडमिक में माशाल्लाह हमारा इस्लामिक स्कूल बहुत ही ऑर्गेनाइज है, इस्लामिक एजुकेशन में ऑर्गेनाइज नहीं है। फिर आप बोलोगे यार उलमा लोग नहीं मिलते इसलिए करो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे आप लोग एक प्लान करते हो कि भाई मुझे एक बच्चा मेरे पास नर्सरी में आया तो थर्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचाने तक मैं इस बच्चे में क्या डालना चाहता हूं, ईयर वाइज आपको प्लान करना है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, आपके पास ये बच्चा 5 साल रहा, 5 दिन नहीं रहा। सी ये बहुत गैर मामूली मामूली दिन है अपनी जिंदगी का, अपने जिंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम आपको दिया, कीमती टाइम दिया बचपन से। और ये जो जो बिफोर एडोलेसेंस जो स्टेज होता है, ये इससे कीमती सारी जिंदगी के कोई टाइम नहीं होता, एज पर इस्लाम यही बोलता है और आजकल का जो अपडेट जो साइंस और जो ये रिसर्च यही बोलता है। तो हम लोगों को ये प्लान करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा 3 साल 4 साल के इन दिनों में कहां तक पहुंचेगा, और इतना फ्लेक्सिबल हो उसमें। अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूं, मेरे घर के बच्चों पे मैं कंपेयर मत करूं, मेरा घर का बच्चा 5 पार याद कर लिया, आज की बात कर रहा है, चलो भाई मेरे स्कूल का करिकुलम भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। मैंने ये भी देखा है, बहुत सरप्राइज होता है। एक स्कूल को मैंने गया, उनके 5-6 बच्चे हैं माशाल्लाह, किसी ने 20 पार याद किया, किसी ने 10 पार याद किया, फिर लैंग्वेज औकात नहीं है, ओह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। स्कूल में जा उनके स्कूल में गया, लगता है कि इन 5-6 बच्चों के लिए स्कूल खोला है, गांव के बच्चों के लिए नहीं खोला है। एज इट इज वही जो है आईक्यू, वही जो है एक क्या बोलते हैं कि लेवल को देखकर इस्लामिक सिलेबस को जो है सेट किया है। तो यहाँ पर हमें पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग कराना पड़ेगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और इसके लिए फीडबैक के साथ एक कॉम्प्रहेंसिवली मेहनत करना पड़ेगा। तब देखिए आपके पेरेंट्स आपसे कितना खुश हैं। एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक स्कूल में गया, स्कूल स्टार्ट होके 4-5 महीने हो गए थे। मैंने बोला कि यार क्यों इस तरीके से इस्लामिक स्टडीज का इतना मेसी और इतना जो बिखरा हुआ निजाम क्यों है, क्यों अरबिक लैंग्वेज, क्यों जो है एक प्रायोरिटीज को क्यों आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो? बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है तुम्हारे पास, कुरान पढ़ना नहीं आता। बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है तुम्हारे पास, कुरान में परफेक्शन नहीं है, लेकिन अरबिक लैंग्वेज के हाजा जाने का बहुत पढ़ रहा है। द सवाल ये है कि एज ए अल्लाह की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बच्चे के लिए कुरान पढ़ना वाजिब था या अरबिक लैंग्वेज पढ़ना वाजिब था? कुरान पढ़ना। आपके पास एक बच्चा 5 साल पढ़ा, कुरान के अंदर उसके पास एक जवदा बोलते अरबिक अंदर एक एक्सीलेंसी, रीडिंग एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी नहीं है, और अरबी लैंग्वेज के अंदर आप हाई या नता का मतलब अरबिया और ही पूरा अरबिया भर रहे हो। प्रायोरिटीज एज पर शरिया इस्लामिक पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज को सेट कीजिए भाई। और मैं स्कूल वालों से बात किया, मैं देखता ही नहीं हूं खरा सॉरी बस क्या है मैं क्या कर रहा था। मैं स्कूल वालों से बात किया, वो बोल रहे एक बात बोल रहे हैं, शायद कि आप लोग भी कभी ना कभी सोचे होंगे, बोले नहीं तो जरूर सोचे होंगे कुछ लोग, क्या बोलते हैं मालूम, ऑलरेडी जो है प्रोस्पेक्टस में लिख चुके हैं हम लोग अरबिक लैंग्वेज, हमारा बच्चा 5 ईयर के अंदर अरबिक लैंग्वेज बात करेगा, बोले क्या करना, ऑलरेडी हम लोगों ने दावा कर चुका है हमारा बच्चा हाफिज बन जाएगा, हमारा बच्चा अरबी लैंग्वेज बात कर रहेगा, हमारा बच्चा मक्का चला जाएगा। ये झूठे दावे नहीं करना है। आइए जो तुम्हारा जो है करिकुलम है और सिलेबस है, करिकुलम एक एंटायर डोमेन में बनता है करिकुलम, जैसे कि हम लोगों ने माशाल्लाह चैनल में पढ़ा करिकुलम, ये पूरे प्रोसेस को लेकर यानी व्हाट हाउ एंड इधर, ये देखो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या बच्चा आपका पढ़ा के नहीं, ये पूरे प्रोसेस को मिला करके बनता है करिकुलम। ये करिकुलम को आपके आपके पेरेंट्स से छुपाऊंगा, हाइड मत करो इसको, हाइड मत करो, हाइड करेंगे ना आपके नाक में दम कर देंगे, बट फिर ऊपर जाए आपने बोला था ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बच्चा कुछ भी नहीं किया, क्या बात है हमने गलत पैसा दिया तुमको, तुमने ये किया वो किया। अपने ऊपर प्रेशर मत डाल दो, उनको कन्विंस करो कि भाई इस्लामिक स्कूल में हम कितने कंटेंट में एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, तब आपका मसला हल हो जाएगा और बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पे जा सकते हो।
अल्लाह मैंने जो सोचा उसने चंद चीज़ें आपसे शेयर किया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको एक इब्तिदा बनाए, इसको एक स्टार्टर बनाए हमारे लिए और एक प्रोसेस माशाल्लाह हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल और डेडिकेटेड जो हमारे ब्रदर्स हैं सीनियर्स उनके थ्रू से ये जो मिशन जो जारी है अल्लाह ताला इसको जो है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बनाए। आमीन। बात बताओ मैं मुझे Something for the body, mind and the body, introduction, yes. Something for the body, and alhamdulillah, this is something for the mind. So there's so much of now matter for us to conduct workshops in the future on both themes. I think both the morning sessions by themselves, we can have a full day or at least a half day workshop. Right? So brother, I would just like you to introduce yourself a bit, your background will come from the school you ran. देखिए मैं मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। मैं कोई दूसरे स्कूल पे ट्रेनिंग नहीं करता, पहले बोल देता हूँ। इल्ला है कि आप लोग मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे सीखूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कुछ चीज़ें और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आप जितने दूर से भी आप रहने का इंतजाम मैं करूँगा, खाने का इंतजाम मैं करूँगा। तो मेरी तालीम जामिया इस्लामिया जामिया सरफिया बनारस से हिंदुस्तान में हुई, फिर अल्लाह के तौफीक से मैं जामिया इस्लामिया बनारस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा चला गया। वहाँ पर फिक्र और उसूल फिक्र के इस फैकल्टी से मैंने अपना तालीम हासिल किया और इंडिया वापस आया तो मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में काम किया। अब मैं और मेरे एक दोस्त बशीर सागर बड़के हैं, ये हम दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला। मेरी अहलिया खुद उसके प्रिंसिपल हैं जो और दोनों बेटी भी हैं और एक स्कूल है जो सेकेंड स्टैंडर्ड तक बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, तकरीबन 150 बच्चे हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल करम से हमने जगह खरीद लिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, कैरेक्टरम भी हम लोग खुद डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए और इस तरीके से हम लोग अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह स्कूल का नाम अल इबादा इंडियन स्कूल, ये उडुपी में है, बिटवीन उडुपी एंड मणिपाल। मणिपाल एक ट्विन सिटी है, एक दूसरे के पड़ोस में है, इसके बीच में है। ठीक है माशाल्लाह। ओके नाउ वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ओपन फॉर क्वेश्चंस। I'm sure there should be lots of questions. This is a very important topic for Islamic schools as such. The brother of Muhammad Abu Bakr al-Latif had a question which he said no one is able to answer. Maybe he is the right person to ask the question. You can do it in English. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for sharing your thoughts. So my question is like whatever we are doing in schools is all about learning. We are learning something. So there are different faculties of learning. One of the things that I am personally not able to find out is what is the Islamic philosophy of learning? How a person should learn, what are children learn, at what stage, what is to be taught for that person? That is something that maybe I don't have the knowledge, so that is a question that is very interesting. बहुत ही बड़ा सवाल किया, चार पांच सवाल पे एक सवाल कर दिया तुमने। क्या है मैं ये बोलना चाहूँगा, आप एकेडमिक के जितने बोर्ड्स हैं आपके, राइट, एक स्टेट बोर्ड होता है और एक सेंट्रल बोर्ड होता है, नेशनल लेवल का सीबीएसई आईसीएसई और इंटरनेशनल का आईजीसीएसई होता है ना। कंटेंट वाइज इसके अंदर फ़र्क है ना, वेरिएशन है ना, थोड़ा आसान हल्का स्मूथ स्टेट होता है, थोड़ा फिर अच्छा सीबीएसई आईसीएसई, फिर उससे ज़्यादा आपको कंटेंट वाइज और जो स्किल हैं टीचर्स के उसके हिसाब से भी आई जी सी एस कहा जाता है। तो इस्लामी एजुकेशन में हम इसको तकसीम अगर कर सकते हैं तो एक है मुस्लिम और एक है मोमिन और एक क्या है महसिन। हम अपने स्कूल को ये बनाए जैसे आप क्या यानी व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन देना है, हम आपको बनाए कि एक मुस्लिम बना, एक मुस्लिम के इस्लाम में बाकी रहना जिसको काफ़ी है, एज ए मुस्लिम यकीन के साथ वो इस्लाम पर अमल करें। जब बच्चा जब उसके भाई हो जाए तो भाई को पड़ोसी को बाप को माँ को कुछ डिलीवर कर सके नॉलेज, इतना इल्म उसको पहुँचाओ जो एज पर द इस्लामिक एक मुसलमान के लिए वाजिब है। और आपके पास सलाहियत है, वक्त है, ये सब बातें बहुत अहम बात है। वक्त आपके पास है, असातिज़ा कैसे रिक्रूट करना है, उनको कैसे डेवलप करना है, खासकर उलमा इकराम सी। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, एक यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये हुआ कि हम इस्लामिक स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को जो टीच कराने का जो मेथोडोलॉजी या जो प्रोसेस है ना, हमने समझ लिया कि अरबिक लैंग्वेज का भी सेम प्रोसेस है, ये बेसिकली रॉन्ग है।
इससे क्योंकि नो ऐसा नहीं है, बहुत अलग जो है नेचर ऑफ लर्निंग है दोनों का भी। इसका एक बहुत लंबी पुस्तक हो, देन आप अपने आप को पहले एक एम बना लो कि हम एक इस्लाम या ईमान या एहसान। कभी कभी इसका मतलब ये नहीं कि जो मुस्लिम हो कभी मुस्लिम नहीं बन सकता, यार बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, एक आदमी रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े, सारा दिन रोजा रखे, अल्लाह के रास्ते में मुसलसल जिहाद करते रहे, वो एक मोहसिन की ये सिफत है, राइट। एक मोहसिन आदमी क्या होता है, हर दिन रोजे रखता है, चैरिटी करता है, राइट। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक आम मुसलमान भी उससे आगे जा सकता है। हाउ इट इज, इस्लाह में छोटा काम करो, आपस में मिला दो, आपस में काउंसलिंग करके दोनों को मिला दो, यानी काम कर रहे हो मुस्लिम का, लेकिन अजर आपको क्या मिल रहा है। कभी कभी आपका जो थोड़ा कंटेंट लेके जो आपने स्कूल चलाया, लेकिन ये बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे बन सकते हैं जो मुहसिनीन औलिया और मुफस्सिरीन और मुफ्तीन के दर्जे पर पहुंच सकते हैं, ये पता लगे। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास रिसोर्स क्या है, हमारी एरिया क्या है, हमारे पास वक्त क्या है, ये सब चीजों को देखकर इस्लामिक सिलेबस के टूवर्ड्स हमको एक और एक नजर डालने की जरूरत है। From the sister. Any question from the sister? No questions? I have a question. You have a question for the guys. Kya baat hai? MashaAllah. Mukammal number mil gaya udhar se. Sheikh, you said that tarbiyah is more important than ilm and skills. We as a teacher, so if you talk in a practical way, as a teachers, they have so many folks, okay? We can concentrate on teaching them, training them, but how actually, what the school can do for the tarbiyah? Okay. I need a plan, as you said, for tarbiyah role. Is the school is really responsible for the tarbiyah, or only the school is responsible for the tarbiyah? Either? No. Any questions? Is the school really responsible for tarbiyah? And then if it is, then is the school only responsible for tarbiyah? Other school? I think what brother wants to ask is, is our school responsible for tarbiyah? And is the school only responsible for tarbiyah? And is school ki zimmedari banti hai? Aur school ki zimmedari kitni banti hai? मैं इस बात को जैसे जिस अंदाज से मैंने समझा है, एक बेसिक एक थिंग है, एक बच्चा तुम्हारे पास रहता है 8 घंटा, घर में रहता है 16 घंटा। अगर आप बोलो कि 1/3 ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का है, 2/3 पेरेंट्स का है, मैं पेरेंट्स अगर सामने होते तो उनसे बात करता, हाउ इट इज वाई इट इज, ओके ठीक है। स्कूल के अंदर इसका मतलब ये भाई वो उन लोग को 2/3 कर ले तो उसके बाद हम 1/3 करेंगे, ऐसा नहीं बैठ सकते। कभी कभी ये 2/3, 1/3 अफेक्ट होते हैं घर के जो है इन्वायरमेंट पे, इवन जो पेरेंट्स पे वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो एक सेटअप ब्रिज होना चाहिए बिटवीन पेरेंट्स और ये तब है। ओके, एक चीज की तरफ आपकी बात सुनने के बाद मुझे याद आई, मैं हमेशा बोलता हूँ उमर भाई के जो हमारे टीचर्स साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वह यकीन मानिए कभी कभार जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर अकीदा पढ़ाने वाले टीचर से ज्यादा तरबियत कर सकती है। बात याद रखना, साइंस पढ़ाने वाले टीचर अकीदा फेथ ईमान के सब्जेक्ट को पढ़ा, इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर से ज्यादा ईमानियत ईमान को रिफ्लेक्ट कर सकती है, नर्चर कर सकती है। हाउ इट इज, सब एजुकेटर्स आप दुनिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की मखलूकात के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं थोड़ा उसको और वजह करूँ, दो चीजें हैं। एक अभी जैसे कि भाई जमीन किस तरीके से है, हवा कैसे आता है, ये बारिश का साइकिलिंग कैसे होता है, वाटर से, ये सब चीजों को आप दो तरीके से बच्चों को टीचर्स के टूवर्ड्स आप पास कर सकते हो नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रिप्चर्स उस सब्जेक्ट के मुताबिक कुरान में है वो शॉर्टली आप टीचर्स को अलग एक जो है क्लास में समझाओ, या अपना की बुक रेडी करो इसके लिए, की बुक
एक सप्लीमेंट्री रेडी करो कि जो सब्जेक्ट सीबीएसई के थर्ड से लेकर सेवन तक आते हैं उसमें इस्लाम से मिलने वाले जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके लिए एक नोटबुक, उसके लिए प्रिंटिंग की जरूरत नहीं, आप अपने जो है सॉफ्ट इसमें रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक चीज यानी कि अल्लाह ने कुरान के अंदर ये बोला, हदीस के अंदर नबी ने ये बोला, राइट, ये हो गया। दूसरा कि उनको रियलाइज कराना कि ये जो जो ये जो आसमान ये मिल्की वे, ये जो गैलेक्सीज जिस तरीके से हैं, इसको बच्चे के अकीदे से अल्लाह की रुबूबियत से, अल्लाह की रुबूबियत से, उसकी उलूहियत से, उसके आसमा और सिफात से इंटरकनेक्ट कर दें, तब रियली में जो तरबियत का मौजू आपने जो बोला हम स्प्रेड करो भाई। क्यों अभी अभी सर जो बात कर रहे थे इसके ऊपर ना, हेल्थ के ऊपर, सुभान अल्लाह, towards health and PT teacher, PT teacher बच्चों में बहुत हद तक दीन डाल सकता है। क्यों भाई, हम लोग बोलते हैं पानी पीने में बिस्मिल्लाह बोलना, right? कॉमन है, खाने में बिस्मिल्लाह बोलना। PT teacher ये क्यों नहीं बोलता कि फुटबॉल को पहले किक मारने में बिस्मिल्लाह बोलना। बच्चे अगर इसके अगर अगर आदि हो जाए, रूटीन हो जाए कि भाई नहीं, मुझे बॉल को किक करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, बैडमिंटन को इस्तेमाल करने से बिस्मिल्लाह पहले बोलना है, पानी में मुझे स्विमिंग के लिए जंप करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, और अगर कोई अच्छा खेला तो माशाल्लाह बोलना है, सुभान। तरबियत का जो कॉन्सेप्ट है रियल में इस्लामिक स्कूल के अंदर एक एक अगर हम उसको स्प्रेड करेंगे, बांट लेंगे आपस में सारे फैकल्टी को मिलके, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ना उम्मीद मत हुई आप, नहीं भाई ऐसा है जो है आजकल का सोशल मीडिया ऐसा है वैसा है, वो रहेंगे, हर जमाने में रहे हैं लेकिन उसके शक्ल बदले हैं, फितने हर जमाने में रहे हैं, एक बात याद रखो, फितने हर जमाने में रहे हैं लेकिन बस अपना नाम और चेहरा बदला है, बस है ना, मुतफिक है ना, हर जमा अल्लाह के नबी के जमाने में फितने थे बट नाम अलग था चेहरा अलग था, आज भी फितने हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यहाँ पे भी हमारी मदद करेगा। इसके लिए कोई भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो यार, माहौल ऐसा है, पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं ये जो ये शिकायतें सुनता हूँ जिसके जरिए से हाई स्कूल जो है जो सलाहियतें हैं वो भी रुक जाती हैं। इंशाअल्लाह मोर ऑन द तरबिया, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, वी ट्राई एंड गेट नॉट सम मोर इनपुट्स ऑन दैट। बारकल्लाहु फीक शेख फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक अ वेरी वेल प्रेजेंटेड matter on the topic. Okay, we have one sister here, a request from the sister. Too late, but still we'll finish up for that. So gather your thoughts as early as you can so that you can ask questions within the question time. Assalamualaikum. I just wanted to know, how is it different Arabic language learning from English language? Could you please throw a little more light on that? Another language, my specifically English language compare karke bolta hu sister. देखिए जब आप इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में सिखाते हैं, एडवांटेज कितने हैं उसके बच्चे के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, साइंस भी इंग्लिश में पढ़ता है, मैथ्स भी इंग्लिश पढ़ता है, पीटी सर भी इंग्लिश में बात करता है, ओके एक। दूसरा उसके घर में भी माँ बाप, बैंगलोर में तो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत आम है, घर पर भी इंग्लिश बात करते हैं, और जो भी फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी जो कम्युनिकेशन होता है, पेपर है, जो रिटन मीडिया है हमारा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विजिबल और जो है जो भी चीजें हैं, ये उसके लिए आसान करती है, एक बात। दूसरी बात, एज पर द ग्रामर और डेप्थ ऑफ द लैंग्वेज, जो जबान की जो गहराई, अरबी जबान में जो गहराई है, जो उसके अंदर ग्रामर की एक बड़ी दुनिया है, समंदर है, वो इंग्लिश का सार है। अरे पता नहीं मेरी बात कहाँ तक सही है, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बोला, उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया। मैं बोलता हूँ हमेशा इंग्लिश ग्रामर, सारा ग्रामर अगर आप उसको मुख्तसर करके 10 पेज में लिख सकते, लेकिन चैलेंज है दुनिया का कोई अदना जो भी अरबी को जाना है वो नहीं बोल सकता कि मैं अरबी ग्रामर को 100 पेज में लिख के बताऊंगा, नहीं हो सकता। बड़ी गहरी, बड़ी तगड़ी और बहुत ही मीठी और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जो है ना मीनिंगफुल अरबी जबान है, और हमारे लिए जो रिसोर्सेस हैं एक बच्चे के आसपास में वो भी इंग्लिश के बनिस्बत कम है। और एक चीज, दो आपको टीचर भी तो मिलना चाहिए सिस्टर। सबसे बड़ा क्राइसिस जो मैं बोलूँ स्कूल्स में वो किसका है, एम्प्लॉयज का है, टीचर्स का।
आप देखिए मदरसे से जो हमारे अफराद पढ़ते हैं, जो मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, अरबी जबान आके पढ़ाओ पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है पढ़ा, बहुत मुश्किल। और अब वही एक सोर्स है जहाँ पे अरबी पढ़ते हैं। तो मैं अगर कोई सिलेबस मैं अगर अडॉप्ट करूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि क्या मेरे में रिसोर्सेस हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी दो तीन चार टाइप से जो है फर्क है, जिसके अंदर हमें फर्क करना बहुत जरूरी होता है।